ये एक्सक्यूज मी भैया, अमेजिंग। हाँ जी, हाँ जी यार, एक फोटो कर ले। बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अमेज़ेडिक्स। मेरा नाम है आर्जव। सो आज हमारा है डे टू और रात को हम पहुंच गए थे जयपुर। हमने काफ़ी एंजॉय किया चौकी ढाणी में और वहां पे काफ़ी ज़्यादा रश था, तो हमने स्टे रात को लिया है यहां पे होटल पिंक हवेली, जो कि बिल्कुल चौकी ढाणी के बिल्कुल पास ही है। तो अभी हम निकलने लगे हैं उदयपुर के लिए और रास्ते में काफ़ी लॉन्ग ड्राइव होगी और इंजॉय करेंगे। अब दिखाऊंगा आपको साथ साथ कैसा रास्ता है, कैसी रोड्स हैं। तो एंजॉय करते हैं, देखते हैं, आगे चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। बारिश हो रही है हल्की हल्की, क्लाउडी मौसम है और ये हमारा होटल था। तो never really know just what you want, with you I don't ever feel calm, I could feel the sweat inside my palms, play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings, you don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. So guys, abhi hum yahan Mannat Dhaba ruke hain, to abhi time ho raha hai around 9 o'clock aur hum subah chal gaye the almost 6 baje aur काफ़ी लंबी ड्राइव है। अभी आगे चलते हैं, यहाँ कुछ खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे चलेंगे। Never really know just what you want, with you I don't ever feel calm, I could feel the sweat inside my palms, play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings, you don't ever wanna give me wings, you don't ever. अभी हम यहाँ रास्ते में रुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से अभी 80 किलोमीटर पड़ा है और 12:15 बज चुके हैं, पर काफ़ी ही बढ़िया रोड है, 4 लेन रोड है, आप देख सकते हैं, काफ़ी ही प्यारा लग रहा है। ये सब खड़े हैं, फोटोस टाइम। बढ़िया बढ़िया, एंजॉय नहीं करता भाई। Never really know just what you want, with you I don't ever feel calm, I could feel the sweat inside my palms, play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings, you don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. So guys, here we are now, tunnel is coming, so let's go inside. Welcome to Udaipur tunnel, here is only Udaipur, 15 kilometers. Yeah, moment! Yay! We're out of the way,
आर इन टू द होटल ऑफ उदयपुर. लेट्स गो इनसाइड. ये फाइनली इन टू द रूम. जॉय मोमेंट्स. यहाँ पे आ गए हैं उदयपुर में, और उदयपुर में हम जा रहे हैं सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस. तो यहाँ अभी हमने टिकट ली है, तो ये हमने 5 persons की 500 टिकट है, और साथ में जो अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जाने के लिए उसका 300 एक्स्ट्रा चार्जेस है. तो यहाँ से अभी मंदिर चलते हैं. काफ़ी रश है यहाँ पे, ये लाइन लगी हुई है यहाँ पे टिकट लेने के लिए, और हमने तो ले लिया है. अब अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है और एंजॉय करते हैं. ये पैलेस टाइम उदयपुर. सो गाइस, यहाँ हमारी एंट्री हो चुकी है अंदर, और अब हम यहाँ से चलते हैं. यहाँ 10 मिनट का रास्ता है अभी आगे. ये हेडिंग टुवर्ड्स सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस. पहुंच चुके हैं मॉनसून पैलेस पे, और ये नीचे से जो रास्ता था काफी टफ था, ऊपर काफी चढ़ाई थी, और यहाँ आप देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुली लग रहा है यहाँ पे सब. और ये बिल्कुल फतेह सागर लेक के पास ही है. सो गाइस, ये है सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस. अंदर चलते हैं. ये है अंदर पैलेस के. और ये है राजा महाराजा रानी का. महाराजा सज्जन सिंह. पैलेस व्यू. व्हाट अ प्रेटी व्यू इट इज. ये पिक्स टाइम. भाई अकेले अकेले यार, भाई इकट्ठे इकट्ठे ग्रुप फोटो खिंचाएंगे. ये अच्छा
भाई बॉल भी खराब नहीं आ रहा यार इस टाइम पे तो यार उसे बुलाओ मिस्टर जयंत को जयंत साहब जयंत को बुलाओ यहाँ क्रू फोड़ लेंगे अभी हम नंबर है और बहुत ही ज्यादा प्यारा व्यू है इस टाइम पे अंदर ठीक था कुछ सीनरीज वगैरह थी और कुछ था ये कॉल कर रहे हैं ये तो गाइस ये थी हमारी बैक साइड अभी हम चलते हैं फ्रंट साइड और आपको दिखाते हैं आ जाओ एक्सक्यूज मी भैया यार एक फोटो कर ले बिल्कुल बिल्कुल प्लीज भाई आप लोग कहाँ से आए हो हम पंजाब से यार ये बरेली से मैं पंजाब से अच्छा भाई का चैनल देखते हो यार भाई बहुत बढ़िया वीडियो ठीक है भाई बहुत बढ़िया लगा और फोटो तो क्या नाम है भाई आपका मेरा नाम यश है भाई दीपक यहां से यहां से ये है इसका फ्रंट साइड काफी बढ़िया व्यू आ रहा है ये है फतेह सागर लेक बहुत बढ़िया लग रहा है बहुत प्यारा व्यू जरूर आए यहाँ ये पकोड़ा टाइम सो गाइस अभी हम बाहर आ चुके हैं और ये यहाँ पे है इसके साथ में ही पार्क छोटा सा ये भी काफ़ी बढ़िया लगता है और इधर से इसका एग्जिट वे तो अभी हम यहाँ से चलते हैं और दिखाएंगे आपको फतेह सागर लेक और यहाँ से भी वो देखो वो लेक दिख रही है वैसे तो काफी अच्छा व्यू है यहाँ पे पास आ गए हैं फतेह सागर लेक के और यहाँ पे इस टाइम इवनिंग में काफ़ी अच्छा लग रहा है लाइट्स वगैरह और जैसे कि कल है इंडिपेंडेंस डे तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको दिखाते हैं लेक व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है आप देख सकते हैं तो एक्चुअली वहाँ से आते आते काफ़ी लेट हो गए थे हम तो अब देख रहे हैं बोटिंग तो हम कल ही करेंगे कल एक और लेक भी है वहाँ भी चलेंगे तो काफ़ी अच्छा है यहाँ वेदर हो चुका है इस टाइम पे काफ़ी हवा चल रही है और वो डैम का जो पानी है वो थोड़ा सा उसका फ्लो बाहर आ रहा है तो काफ़ी प्यारा लग रहा है काफ़ी यहाँ लोग रश है लोग इंजॉय कर रहे हैं बहुत सो गाइस यहाँ फतेह सागर लेक के पास ही है एक एक्वेरियम अभी हम एक्वेरियम के अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये एक्वेरियम कैसा है अंदर से कैसे है फिर देख सकते हैं तो अभी यहाँ इसके अंदर चलते हैं अंडर द सन आ जाओ
शार्क कैटफिश कैमरा शार्क कैटफिश तो गाइस दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट एक्वेरियम इन उदयपुर महिलाओं को पुरुषों से बड़ा तो अगर आप यहाँ आए तो ज़रूर विज़िट करें और अभी हम आगे और चलते हैं और देखते हैं सो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस हैं यहाँ पे जैसे कि ये इंडियाज लार्जेस्ट एक्वेरियम है यहाँ पे उदयपुर में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ अंदर आके बहुत ही प्यारा है एक्सपीरियंस था एक्वेरियम का और काफ़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी थी और डिफरेंट फिशेस थी तो बहुत ही इंजॉय किया हमने तो अगर आप भी उदयपुर आए तो ज़रूर एक्वेरियम में होके जाएं